अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ दो तरह की डम्पलिंग बनाना, चिकन डम्पलिंग एंड श्रिम्प डम्पलिंग विद सॉस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन डम्पलिंग बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो इस तरह से हैं। ऑल पर्पज़ फ्लावर, मैदा, ये मैंने 4 कप लिया है। आप इसकी जगह जो है रेगुलर जो रोटी बनाने वाला आटा है या व्हीट फ्लावर वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये चिकन मैंने 2 पाउंड लिया है, थाई का मीट है ये। आप इसकी जगह ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन चिकन थाई से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसको चॉपर में बारीक पीस लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए वो है सिलांट्रो, 2 टेबल स्पून मैंने लिए, बहुत बारीक काटना है इसको। सोया सॉस 1 टीस्पून, सॉल्ट, नमक 1/2 टीस्पून, फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर, काली मिर्चें ताज़ी पिसी हुई 1/2 टीस्पून, तिल, सेसमी ऑयल 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक 1 टीस्पून, ऑनियन 2 मैंने लिए, इनको ग्रीन ऑनियन है ये, बारीक काट लिया है। चाय 2 टेबल स्पून, अगर ये आपको ना मिले तो आप ऑनियन का जो ग्रीन पार्ट है वो इसमें ज़्यादा आप शामिल कर लें। फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और सेसमी ऑयल 1/2 टीस्पून। श्रिम्प डम्पलिंग बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, श्रिम्प ये मैंने 2 पाउंड लिए है, इनको मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया, साफ़ कर लिया था इनको। स्पाइसेस में आपको चाहिए फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, सेसमी ऑयल लेस देन 1/2 टीस्पून, सिलांट्रो, हरा धनिया 2 टेबल स्पून लिया मैंने, 1 एग लिए और ग्रीन ऑनियन ये 2 मैंने लिए। सबसे पहले डम्पलिंग के लिए डो तैयार कर लेते हैं। आप नॉर्मल तरीके से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही आपने गूंथना है। चेक कर लेते हैं। इस डो में आपने जो है वो ऑयल वगैरह ये सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है, बस रूम टेम्परेचर के मुताबिक इसका पानी होना चाहिए। ये आटा ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है, बस इसी तरह का ही होना चाहिए। तो इसके बाद इसको कवर करके रख लेते हैं और चलते हैं दूसरी चीज़ों की तैयारी की तरफ। अब ये जो चिकन है इसमें सारी चीज़ें मसाले वगैरह आपने शामिल कर देने हैं। सॉल्ट लिया था मैंने, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सेसमी सीड, सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चाइव्स, ये आपने बहुत बारीक काटना है, ऑनियन वगैरह और सिलांट्रो, ये सारी चीज़ें जो है बहुत बारीक आपने काटनी है। इसी तरह से सिलांट्रो भी और सेसमी ऑयल। ये लेके आपने अच्छे तरीके से इनको पहले मिक्स कर लेना है 2-3 मिनट आपने, ताकि ये सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं, नज़र ना आए ज़्यादा या अलग अलग से ना हो। इतनी देर आपने मसलना है इसको। ये 2-3 मिनट के लिए मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से मल लिया था। ये देखें बिल्कुल सारी चीज़ें मिक्स हो गई, बिल्कुल मलाई की तरह हो गया है। अब चलते हैं, एक साइड पर रख दीजिए और चलते हैं अब श्रिम्प डम्पलिंग की रेसिपी की तरफ। श्रिम्प डम्पलिंग के लिए सबसे पहले जो है ये जो आपको बतानी है कि काटना आपने किस तरीके से, बिल्कुल बारीक बारीक जो है ये ऑनियन काटें आप।
तो डम्पलिंग हमारे बन गए हैं। ये मैंने, ये श्रिम्प के हैं इनको, इन और ये चिकन के, इन दोनों को मैंने डिफरेंट शेप दी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको स्टीम करने का क्या तरीका है। स्टीम करने के लिए आप कोई सा भी, जो भी आपके पास स्टीमर है वो आप ले लें। मेरे पास इस तरह का है, ये भी मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। तो इसमें आपने जो है डम्पलिंग को फैला लेना है और पानी आपने बहुत कम डालना है इसमें। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा ये कि आप कोई सा भी वॉक वगैरह ले लें, या ये बेम्बू स्टीमर मिलता है ये आप ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ अगर मैंने थोड़े बनाने हो तो। इसमें आप जो है हाफ कप जो है पानी का मिला दें, वाटर का। तो ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना, बस ये है इसका लाइन है यहाँ तक, इससे नीचे आना चाहिए पानी। और ये आप जब पानी बॉयल हो जाए उसमें ये स्टीमर रख दें, बीच में आप जो है इसके जो भी आपने चीज़ें डालनी है वो डाल के आप स्टीम कर लीजिए 20 to 25 मिनट। मैं बेम्बू स्टीमर यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए जो है ये मेरे पास एक इसके लिए कवर है। अगर साइज़ वगैरह आपका पतीले का या जिसमें आप बना रहे हैं बड़ा बड़ा है या छोटा है, तो उसमें आप ये कवर करें तो ये बहुत आसानी से जो है बहुत आराम से बन जाएंगे। इसके ऊपर ये रख दें और 20 से 25 मिनट तक आपने स्टीम कर लेना है। ये जो स्टीमर है इसके अंदर आरईडी में लाइनिंग लगी होती है। आप इस तरह कर सकते हैं कि वैक्स पेपर लेके उसको राउंड काट लें और वो भी आप इसमें फैला के ऊपर जो है आप डम्पलिंग रख सकते हैं, छोटे छोटे से उसमें सुराख कर लें। तो मैं ये इसमें रख लूँ चिकन की डम्पलिंग। और सबसे आसान तरीका ये है कि जब ये आप जो है फ्रेश जब बनाएं तो उस वक्त थोड़ा सा पानी गरम कर लें एक कप, और जब बॉयल हो जाए तो उसमें आप 5 मिनट के लिए इनको डायरेक्ट भी डाल के बना सकते हैं। ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस 5 मिनट आपने पकाना है तो वो भी स्टीम में हो जाएंगी। ये एक साइड पे मैं ये रख रही हूँ और इसके ऊपर जो है ये श्रिम्प की डम्पलिंग रख रही हूँ मैं। वाटर मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, उसके ऊपर ये कवर रख दें। अगर नहीं भी है तो आप कोई सा भी आपके पास अगर कवर है, अगर इस तरह का यूज़ कर रहे हैं या आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं इसको। तो इसको स्टीम पे रख देते हैं 20 to 25 मिनट, फिर चेक कर लेंगे। इतनी देर में आपको बताती हूँ मैं कि इसको फ्रीज़ कैसे करते हैं और सॉस बनाने का तरीका भी आपको बता दूँ। डम्पलिंग के साथ सर्व करने के लिए मैं एक सॉस भी बनाती होती हूँ जो दिखा रही हूँ आपको। ये सोया सॉस है, ये एक कप मैंने ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ज़रूरत नहीं है आपको कि परफेक्ट साइज हो सकता है। सेसमी सीड मैंने डाले हैं, ग्रीन आनियन डाला है, और ये सेसमी ऑयल है, ये 3-4 ड्रॉप इसके डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। ये सॉस है, मैं सराचा यूज़ कर रही हूँ, आप चिली गार्लिक या जो भी है, ये तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें डालना है। इस सबको मिक्स कर लीजिए। ये डम्पलिंग के साथ बहुत मज़ा देती है, अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ें, जो भी आपको पसंद है, और जो स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। तो इनको स्टोर करने का तरीका ये है कि जब ये स्टीम हो जाए तो उसके बाद जो है आपने इनको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, और किसी भी कंटेनर में जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये मैं कुछ पहले से बना के रखे हुए चिकन के, और साथ ये मैंने लेबल भी लगा दिया ताकि मुझे पता हो कि कौन से श्रिम्प के हैं और कौन से। तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं, नीचे कोई वैक्स पेपर वगैरह बिछा लें और स्टोर, जब ये भर जाए या कुछ है तो आप इसको बैग में भर के रख सकते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों की तैयारी, स्कूल की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ, डिफरेंट चीज़ें वगैरह बनाती रहती हूँ, तो समटाइम वीडियो बना पाती हूँ समटाइम नहीं। लेकिन ये बहुत ईजी हो जाता है, जब बने होंगे तो आपके बच्चे आराम से या आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद भी जॉब पर अक्सर ले जाती हूँ, तो उम्मीद है आपको ये पसंद भी आएंगे बहुत। तो इसको कवर करके आप फ्रीज़र में रख दें। स्टीम पे रखे हुए मुझे तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। दरमियानी आंच कर दी थी मैंने,
डम्पलिंग हमारी हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। वो डम्पलिंग हमारी रेडी हो गई है, ये है इसकी फाइनल लुक। ये श्रिंप डम्पलिंग है, चिकन डम्पलिंग सॉस के साथ। इसके साथ आप सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार लगेंगी। मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ। ऊपर आप इसके लिए सॉस डाल लीजिए। इस तरीके से आपने सर्व करनी है। जो फ्रीज़र वाली आप यूज़ करेंगे तो उसको दोबारा आपको स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा बॉयल वाटर लें और उसमें जो है 2-3 मिनट के लिए डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।